गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो सिक्स क्लास का जो थर्ड लेसन है उसके बारे में. ठीक है, तो हमारा जो लेसन है थर्ड, उसका नेम है टैरोज रिवार्ड. रिवार्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इनाम, पुरस्कार. बट टैरो का इनाम. तो जो टैरो है इस लेसन में, ये क्या है? किसी लड़के का नाम है. ठीक है, तो उसके बारे में दिया हुआ ये टैरोज रिवार्ड, टैरो का इनाम. ठीक है, तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें इस लेसन को रीड करने से पहले क्या करना है, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उनके मीनिंग को याद करना है. ठीक है, यानी आप पहले मीनिंग को याद करोगे तो क्या है, लेसन को हमारे समझने में, पढ़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई इन वर्ड मीनिंग को अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है, उसके बाद इनको क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है, और फिर हम इसके लेसन को क्या करेंगे, रीड करना स्टार्ट करेंगे. तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, वुड कटर. वुड कटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लकड़ हारा. वुड का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी. कटर का मीनिंग काटने वाला. तो जो लकड़ियां काटता है वो क्या हो गया? लकड़ हारा. ठीक है, तो यानी इसमें जो टैरो होता है वो क्या है? एक लकड़ हारा होता है, वुड कटर होता है, जो जंगल में क्या काटता है? लकड़ियाँ काटता है. ठीक है बच्चों, सेकेंड होता है चॉप्ड. चॉप्ड का मीनिंग होता है काटना. ठीक है, चॉप्ड का मीनिंग क्या होता है? काटना. थर्ड है थॉटफुल. थॉटफुल होता है विचारशील, वो जो सोचता हो. फुल थॉटफुल मतलब विचारों से भरा हुआ, जिस व्यक्ति के अंदर क्या है, बहुत सारे विचार आते हैं, विचार सोचता रहता हो, तो व्यक्ति क्या हो गया? विचारशील. थॉटलेस क्या होता है? विचारहीन. ठीक है, तो यानी एक तरह से किसका अपोजिट वर्ड है? थॉटलेस का. ठीक है, इसके बाद होता है क्रैक. क्रैक्स मतलब दरारें. ठीक है, दरारें पड़ जाना. स्वेट का मीनिंग स्वेट. स्वेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पसीना. ठीक है, इसके बाद होता है सिक्स होता है मेड हीज वे. मेड हीज वे होता है अपना रास्ता बनाना, यानी चला जाना. ठीक है, सेवन वर्ड है रशिंग मतलब बहता हुआ. ठीक है, एट्थ वर्ड है वाटरफॉल. वाटरफॉल मतलब झरना, तालाब, झरना कह सकते हैं हम. ठीक है, नाइन्थ वर्ड है नीलिंग. नीलिंग मतलब घुटनों पे झुकना. नीलिंग मतलब झुकना. ठीक है, टेंथ वर्ड है टेस्टेड. टेस्ट का मतलब चखना. टेस्टेड मतलब स्वाद चखा. इलेवंथ वर्ड हमारे पास पीजर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? घड़ा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड डिलाइटेड. डिलाइटेड का मीनिंग होता है खुश होना, प्रसन्नचित मुद्रा. ठीक है, शीवर. शीवरिंग का मीनिंग किससे बना है? सीवर वर्ड से. सीवर का मीनिंग होता है कांपना. शीवरिंग मतलब कांप रहा. सिप. सिप का मीनिंग क्या होता है? चुस्की लेना, घूंट लेना. बोलते हैं ना भाई हम चाय को कैसे पीना चाहिए, सिप सिप करके. सिप सिप करके मतलब चुस्कियाँ लेते हुए, घूंट भरते हुए. ट्रिक. ट्रिक का मीनिंग क्या होता है? जो धोखा देना. ठीक है, और 16 वर्ड ड्राउन. ड्राउन का मीनिंग क्या होता है? डुबो देना, डुबाना. ठीक है, मटरिंग. मटरिंग का मीनिंग होता है बड़बड़ाना. बयानी जो बात बात पे क्या करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मटरिंग कर रहा है. ठीक है, और 18 वर्ड है एम्परर. एम्परर का मीनिंग होता है सम्राट. ठीक है, और 19 वर्ड है इनकोरेज. इनकोरेज का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, यानी किसी को अंदर थोड़ा जोश भरना, उसको साहस देना. वो क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, उसको इनकोरेज कर रहे हैं. ठीक है, और लास्ट का मीनिंग है ऑनर. ऑनर का मीनिंग होता है सम्मान करना. ठीक है, तो बच्चों ये 20 वर्ड हैं, आपको इनको अच्छे से क्या करना है, कॉपी पे राइट करके लर्न करना है. ठीक है, तभी आप क्या है, लेसन को अच्छे से समझ पाओगे. तो आज के लेक्चर में हम यही करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, हम इन लेसन को क्या करेंगे, रीड करेंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद.